दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे का पहला फेज तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को करेंगे। बता दें कि एक्सप्रेसवे का यह पहला फेज हरियाणा के सोना से राजस्थान के दौसा को जोड़ेगा। बता दें कि 1382 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज सोना से दौसा तक 210 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हरियाणा के गुड़गांव सोना होते हुए यह हाईवे अलवर की सीमा से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे देश का सबसे लंबा हाईवे होगा। इसके निर्माण के प्रथम फेज का काम पूरा हो चुका है। इस फेज में सोना से अलवर होते हुए दौसा लालसोट तक 210 किलोमीटर मार्ग है। यह एक्सप्रेसवे कई राज्यों से होकर गुजर रहा है, लेकिन राजस्थान के लिए इसे खास सौगात के रूप में देखा जा रहा है। अलवर औद्योगिक क्षेत्र को भी इसका लाभ होगा। अलवर जिले में हाईवे पर उतार चढ़ाव के लिए शीतल व पिनान में दो कट बनाए गए है। इस हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी बड़े शहरों तक हो सकेगी। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इससे दिल्ली जयपुर पहुंचने का समय भी लगभग आधा रह जाएगा। एक्सप्रेसवे की क्या है खासियत? जर्मन तकनीक से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को आगामी 50 साल के ट्रैफिक और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। फिलहाल 8 लेन में बने इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ आगामी योजना में 12 लेन बनाने के लिए जगह भी छोड़ी गई है। एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। प्रत्येक आधा किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सफर को आरामदायक बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई के बीच 93 रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। एक से दूसरे रेस्ट हाउस के बीच 50 किलोमीटर का फासला होगा। बताया जा रहा है कि वन्य जीवों के लिए इस हाईवे पर ओवरपास भी होंगे। एशिया का यह पहला ग्रीन ओवरपास हाईवे होगा। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। किस राज्य में कितना पैसा होगा खर्च? बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में दिल्ली सीमा में इस एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर का हिस्सा है। इस पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हरियाणा में 160 किलोमीटर हिस्से पर 10400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं राजस्थान में 374 किलोमीटर पर 16600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर के हिस्से पर 11100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुजरात में 423 किलोमीटर हिस्से में 35100 करोड़, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर हिस्से में करीब 23000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से जारी एक वीडियो के अनुसार एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेन पर कोई टोल नहीं लिया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर लगे टोल प्लाजा पर गाड़ी का नंबर दर्ज होगा। टोल की कटौती एक्सप्रेसवे से उतरने पर होगी, यानी जितना आप एक्सप्रेसवे पर चलेंगे उतना आपको टोल देना होगा। इस एक्सप्रेसवे पर चलने पर टोल टैक्स 65 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वसूला जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। जैसा ही आप एक्सप्रेसवे में एंट्री लेंगे तो वहां लगी मशीनें प्रवेश के समय और स्थान को रिकॉर्ड कर लेगी। इसके बाद जब आप एक्सप्रेसवे से उतरेंगे तो मशीन स्वचालित रूप से आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे काट लेगी। NHAI के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि केवल 35 पैसे प्रति किलोमीटर का शुल्क लिया जाएगा, जो कि NBTC ने टोल दर के रूप में निर्धारित किया है। सोना और दौसा के बीच की यात्रा की दूरी 200 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आप जो टोल टैक्स चुकाएंगे वह सिर्फ 70 रुपए है। दिल्ली और जयपुर के बीच रूट पर 5 इंटरचेंज होंगे और यह हाईवे 8 लेन का होगा। इसे 12 लेन चौड़ा बनाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली और दौसा के बीच 8 एंट्री और एग्जिट होंगे। पहला प्रवेश और निकास द्वार अलीपुर में होगा। इसके बाद अन्य 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट अलीपुर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 67 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 121 किलोमीटर और 181 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे।
फिलहाल प्रथम फेज में दौसा तक के एक्सप्रेसवे का 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।